नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र इज द सेकेंड चक्र ऑफ आवर बॉडी विच बैलेंसेज द वॉटर एलिमेंट्स। यस, स्वाधिष्ठान चक्र हमारे शरीर के जल तत्व को कंट्रोल करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। इस चक्र के जो भगवान है वो है ब्रह्मा जी, द लॉर्ड ऑफ क्रिएटर, ब्रह्मांड के जो रचयिता है। यानी कि एक नई चीजों को अगर जन्म देना है तो वहां ब्रह्मदेव का आशीर्वाद रहना बहुत जरूरी है। जन्म देने से मुझे याद आया कि आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है ये अगर ठीक से बैलेंस नहीं, हील नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो क्रिएटिवनेस है, यानी क्रिएटिविटी होती है, दैट क्रिएटिवनेस विल नॉट गोइंग टू बी इन योर माइंड बॉडी। यानी कुछ नयापन अगर आपको करना है तो वो नहीं होता है। अगर स्वाधिष्ठान चक्र आपका हील नहीं है तो आपके अंदर जो है सक्सेस को पाने के लिए, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, वो डिजायर को कंप्लीट करने के लिए वो एनर्जी नहीं रह जाती है। एज यू नो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ के जो भगवान है वो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ही इज द क्रिएटर। और एक बात है, यहाँ पे जिन लेडीज को, यानी कि जो कंसीव नहीं हो पाती, काफी टाइम से जो प्रेगनेंसी नहीं कर पाती, तो स्वाधिष्ठान चक्र पे भी उन्हें काम करना है। बिकॉज स्वाधिष्ठान चक्र इज द ओनली चक्र विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट कंसीव। अगर आपके बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत है, एस्ट्रोजन लेवल इज मोर देन व्हाट इट इज रिक्वायर्ड, देन देयर इज अ प्रॉब्लम टू गेट कंसीव। एंड सेम थिंग प्रोजेस्टेरॉन इज द हॉर्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट कंसीव। अगर जिन्हें कंसीव होना है तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा काफी अच्छे लेवल में चाहिए। एंड दिस बोथ थिंग्स, इफ एस्ट्रोजन इज मोर एंड प्रोजेस्टेरॉन इज लो, देन यू कैन फाइंड देयर इज अ प्रॉब्लम टू गेट कंसीव। यानी कि फिर वो जो महिला है, लेडीज, उनको कंसीव होने में तकलीफ होती है। तो स्वाधिष्ठान चक्र जो है ये प्रोजेस्टेरॉन को हमारे अच्छे लेवल में लाता है और एस्ट्रोजन को बैलेंस करता है, जिससे कि जिन्हें भी अगर पेरेंट्स बनना है, यानी कि जो सोच रहे हैं आगे बच्चों के लिए और कंसीव नहीं हो पा रहे काफी सालों से, तो उन्हें स्वाधिष्ठान चक्र पे काम करना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र इज द ओनली चक्र विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट कंसीव। तो यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्वाधिष्ठान चक्र। दूसरा, मैंने कहा ये हमारे वाटर एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, जल तत्व को बैलेंस करता है, जो आपके मेरे शरीर में 75% की मात्रा है। हमारे बॉडी के अंदर जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिवनेस यानी कि एनर्जी, इंथुजियाज्म, कुछ नयापन करके कामयाब होने की, वो भी स्वाधिष्ठान चक्र ही कंट्रोल करता है। स्वाधिष्ठान चक्र इज द चक्र विच इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर इंथुजियाज्म। अगर कोई गलत रास्ते पर चले गया है, एडिक्शंस में आ गया, नशा कर रहा है, तो उसे भी अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे काम करना चाहिए। क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र पे अगर एनर्जी नीचे की तरफ जाती है तो आप जाते हो लेथार्जी की तरफ, एडिक्शंस की तरफ, वासना की तरफ, जो मूलाधार के नीचे पहुंच जाते हो। और जब ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है तो आपके अंदर क्रिएटिवनेस, सक्सेस, अपने ड्रीम को फूल करना बहुत होता है, बहुत अच्छा होता है। और इसका एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है कि अगर ये स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं है तो आपके अंदर ईगो बहुत बढ़ जाएगा, जीलेसी बहुत बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाएगा, एंगर बहुत बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो इसे भी कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन द स्वाधिष्ठान चक्र। इन शॉर्ट, स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंसेज द वॉटर एलिमेंट्स। स्वाधिष्ठान चक्र रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर फुलफिलिंग ऑल द ड्रीम्स। स्वाधिष्ठान चक्र ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गेट कंसीव, लाइक फॉर द प्रेगनेंसी। एंड मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द लेडीज, फीमेल्स फेसिंग ए प्रॉब्लम ऑफ PCOD, PCOS, मेन्यूपॉज एंड मंथली पीरियड प्रॉब्लम्स, दैट ऑल्सो गेट सॉल्व इफ स्वाधिष्ठान चक्र गेट बैलेंस। स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस होने से मासिक धर्म की सारी समस्याओं से छुटकारा मिला जा सकता है। जेंट्स में अगर बात करें तो उनको जैसे कि प्रोस्टेट की समस्या होती है, यूरिन इन्फेक्शंस की होती है, किडनी से रिलेटेड जो स्टोन होता है
वो भी स्वाधिष्ठान चक्र ही कंट्रोल करता है। सो कम एंड जॉइन दिस सप्त ध्यान सेवन चक्र हीलिंग मेडिटेशन कोर्स विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 13th of December इवनिंग 6:40 PM टू 7:40 PM। ऑल द डिटेल्स आर गिवन बिलो। बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया, आप भी लेके देखिए। अपने आप को एक हफ्ते का समय दीजिए एंड सी द चेंजेस व्हाट यू कैन हैव इन योर माइंड बॉडी एंड सोल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। वेरी मच इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मस्ट जॉइन। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। थैंक यू सो मच।